जी नमस्कार, आपका हमारी न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां दीपेंद्र हुड्डा ने किया बड़ा ऐलान। हरियाणा के लोक राज्यसभा सदस्य एवं कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से शेप सियासी गेम खेलने की तैयारी में है। उन्होंने साफ कर दिया कि वे लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल वे राज्यसभा भी नहीं छोड़ेंगे, यानी चुनाव जीते या न जीते वे संसद में बने रहेंगे। कांग्रेस नेता ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए तैयारी कर दी है। वे लोगों के बीच जाकर 2019 लोकसभा चुनाव की हार को याद दिलाते हुए 2024 चुनाव में जीत की राह तैयार कर रहे हैं। बता दें कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक के मैम में आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। जब उनसे रोहतक लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार का नाम पूछा गया तो उन्होंने खुद के नाम पर कहा कि इसमें भी कोई शक है क्या। हालांकि बाद में अपनी बात को टालते हुए सामने से सवाल किया कि आप किसे चाहते हैं। जब सामने से लोगों ने भी दीपेंद्र हुड्डा का नाम लिया तो उन्होंने कहा कि बस ठीक है। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा 2019 का चुनाव हारने के बाद राज्यसभा सदस्य बने थे। 10 अप्रैल 2020 को उन्होंने राज्यसभा सदस्य बनाया गया था। बता दें कि राज्यसभा सदस्य 6 साल के लिए बनते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यकाल भी 2026 तक के लिए है। हालांकि लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा हार भी जाते हैं तो वे राज्यसभा सदस्य बने रहेंगे, अगर जीतते हैं तो वे लोकसभा सांसद बन जाएंगे। इसलिए वे सेफ सियासी गेम खेलने के मूड में हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा 3 बार 2005, 2009 और 2014 लोकसभा सदस्य सांसद रहे हैं। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में उन्हें हार मिली। 2019 चुनाव में भाजपा से डॉक्टर अरविंद शर्मा को कुल 5,73,845 वोट मिले, तो वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 5,66,342 वोट मिले थे, जिसके चलते उन्हें 7,503 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। अब फिर से दीपेंद्र हुड्डा अपनी हार का बदला लेने का प्रयास करेंगे। बने रहे चैनल के साथ, मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।